सहनावतु सहनौनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 100वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद हम देख रहे हैं और 7वें अधिकरण तक हमने पीछे किया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 491, इसमें भाष्य की पहली पंक्ति, ननु एकस्मिन् अपि यागे सप्तदशभिः अवधानगणैः यक्ष्यते वचनात्। इसका अर्थ आपने ऐसे किया था कि 11 अवधान हैं और 17 पशु है, तो 17 पशु के वचन सामर्थ्य से जो 11 अवधान हैं वो 17 कर लेंगे उसको भी। किंतु 492 पृष्ठ में जो इसका युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो अर्थ किया है वो थोड़ा भिन्न प्रतीत हो रहा है, सप्तदशभिः अवधानगणैः। यहाँ ठीक है, वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी भाष्य में इन्होंने ऐसा ही लिखा है, एक याग में भी 17 अवदान समूहों से यजन करेंगे अवगान से। तो ठीक है, ऐसा ही अर्थ ले लीजिए इसको कि एक पशु से एक अवदान गण, तो 17 पशुओं से 17 अवदान गण ये ले लेंगे कि ये जो। लेकिन सिद्धांति ने उत्तर दिया कि ये संख्या पशु में नहीं सुनी, पशु में सुनी जा रही है, अवदान गण में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए। ठीक है, ये जो वचनात कह रहे हैं, ये वचनात 17 पशु यही वचन है? हाँ, वचनात मतलब यही है कि सप्तदश प्राजापत्यान पशुन आलवते, पशु शब्द से, इसीलिए इन्होंने आगे जो लिखा है ना, पशु आकृति अवदानानी हवींशी याग साधनानी न पशु आकृति है। ये जो अवदान है ये अलग है, याग के साधन है, हवियां हैं ये, पशु की आकृति में 17 संख्या को नहीं ले सकते, ये तो है नहीं है। अगर 17 अवदान गण लेते हैं आहुतियां हवियां, तो वो पशु तो है नहीं, तो इसलिए 17 पशु तो नहीं लिए जा सकते। अब ठीक है, उत्तर देने में पूर्व पक्षी कह सकता है कि भाई पशु मतलब तो पशु से बिना तद्धित के भी तद्धित प्रत्यय का अर्थ लेते हुए कि पशु मतलब जो पशु से संबंधित हैं अवयव, उनको लिया जा सकता है, पर उन्होंने कहा नहीं, सीधा पशु लिखा हुआ है, इतने कह के इन्होंने इसका समाधान कर दिया। हाँ, और जी ओम आत्मनिर्भर। पृष्ठ संख्या 88 उत्तर 400, 480 88 नीचेता द्वितीय पंक्ति। हाँ, एक रूपा भवन्ति अत्र लिखितम अस्ति, एक रूपा शब्देन एक याग रूपा अपि तो भवितुम अर्हति। एक मिनट, 488 में पृष्ठ पर भाष्ये नीचेता द्वितीय पंक्ति। हाँ, वाक्य बोलो। श्यामास्तु परा एक रूपा भवन्ति। हाँ, अत्र एक रूपा शब्द वर्तते। हाँ, तो एक रूपा शब्देन एक याग रूपा अपि तो भवितुम अर्हति, सप्तदश पशवः एक याग रूपा भवन्ति। नहीं, याग का तो इसमें आप कैसे संबंध जोड़ेंगे? देखो, प्रजापते है आप्ते श्यामास्तु परा, तो श्याम और जो तूपर हैं इसी के विशेषण विशेष्य भाव में तूपराहा एक रूपाह भवंती, तो एक रूपाहा विशेषण विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये किस, ये सब एक ही के विशेषण हैं, जो जो श्याम का है, जो तूपर है और जो एक रूप है, ये सब एक ही के विशेषण हैं, वो याग पे नहीं घट सकते, ये याग पे नहीं घट सकते, ये पशु पे ही घटेंगे, पशु पे ही घटेंगे। आप अगर यूं करेंगे ना तोड़ के कि श्यामा तूपराहा, जो श्याम और तूपर हैं वो एक रूप वाले होते हैं, एक यज्ञ रूप वाले होते हैं, तो यज्ञ रूप तो नहीं लिया जा सकता ना प्रसंग से, प्रसंग मतलब तो ये भाषा का प्रवाह होता है ना, एकदम बाहर से यूं लेकर के आएंगे आप अगर याग को लेकर आएंगे, एक यज्ञ रूप वाले होते हैं ऐसा नहीं है। अग्रिम पृष्ठ। हाँ, एकविंशति सूत्र। हाँ,
पृथक्त्व निवेशात संख्याया कर्म भेद स्यात्। हाँ, तो पशु बहुत्यपि पृथक्त्व निवेशनम तो संभव। पशु बहुत्व में बहुत्व हेतु अस्ति अत्र पृथक्त्व निर्देशम कृत्वा वदति कि यागा भावा सन्ति, परंतु पशु बहुत्व कारणात् अपि तो अत्र भवितुम् अर्हति। हाँ, तो इसके अंदर इसी पे तो चर्चा चलाई है ना फिर सिद्धांती ने, कि क्यों ये पूर्व पक्षी जो कह रहा, अभी जो गण वाली चर्चा चल रही थी कि इसको हम सत्रह गणों में मान लें, अवदान गणों में एक ही याग के अंदर गान लें, उसका जो इन्होंने उत्तर दिया वो यही कि ये पशुओं के साथ में जुड़ी हुई है संख्या, अवदानों के साथ में नहीं है। पशु शब्द है और प्रकृति में जो है अवदान तो एक ही है, यानी ये 11 अवदान हैं लेकिन मिला करके एक आहुति दी जाती है, आहुति एक ही दी जाती है, ऐसा मेरे को मैंने लिख रखा है, गुरुजी ने वहां बताया होगा। अवदान भले ही 11 है लेकिन आहुति एक दी जा रही है वहां पर मिला करके। और तो ये जो 17 संख्या है, ये भी इन्होंने जो आगे सारी व्याख्या की है तर्क इसी बात पे तो उत्तर दिए हैं इन्होंने कि यहां जो ये 17-10 संख्या है ये पशु का विकार कर रही है, ना कि अवदान गण का। वाक्य रचना से पता लग रहा है कि ये अवदान गण का नहीं करी है, तो अवदान गण का तो है नहीं तो उसमें तो घटेगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने कहा ये बहुत यागों में ही संभव है, एक याग में संभव नहीं है। और लगाने को कोई संगति उस तरह भी लगा सकता है, इन्होंने उस तरह से पूरा खंडन किया है। क्योंकि पीछे देखो इतना तो स्पष्ट है कि आप जो पूछ रहे हो ना उसमें इनका जो तात्पर्य से मैं जो निकाल रहा हूं वो ये कि प्रकृति में एक आहुति दी गई 11 अवदानों से, अब यहां 17 पशु हैं तो अवदानों से जो आहुति दी गई प्रकृति में एक ही दी गई है, और यहां 17 संख्या उसको अवदान गण को नहीं कह रही है, पशु को कह रही, और पशु अवदान का स्वरूप होता नहीं है, अवयव समूह हविष जैसा है नहीं, इसलिए वहां पर नहीं घटी, पशु पे ही घटेगी। अब जब पशु पे घटेगी, पशु पे ही 17 संख्या घटेगी, तो प्रकृति में एक पशु से 11 अवदान लेकर के एक आहुति दी जा रही है, एक याग ऐसा ही है, तो उसमें तो विकृति में कोई अंतर किया नहीं गया है, विकृति में कोई अंतर नहीं किया गया है, विकृति में तो पशु की संख्या केवल बताई गई है, तो कितने अवदान होंगे और उससे कितनी आहुति होगी ये प्रकृति के समान ही आएगा, तो प्रकृति में 11 अवदानों की एक आहुति ही दी गई है और उससे एक याग पूरा हो रहा है, इसलिए यहां चूंकि संख्या 17 बढ़ा दी गई है तो अब याग ही 17 करके पूरे किए जाएंगे, नहीं तो 17 संख्या हम अवदान गणों की बदलते हुए वहां पर आहुति की संख्या भी बदल देंगे, आहुति भी एक याग में एक की जगह 17 दी जाएगी, ये परिवर्तन आएगा, तो प्रकृति में से विकृति में जिस चीज में परिवर्तन किया गया है बस वही परिवर्तित करना है, बाकी चीजें यथावत रखनी है, वो बाकी चीजें यथावत तभी रखी जा सकती हैं जब याग में भेद करें। अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति पृष्ठ 190 उत्तर चतुर्शतम्। हाँ, एकादशमी अवदानैः असौ यागो निर्वर्तयितव्यः। अत्र तो याग इति एकवचने वर्तते, याग शब्द एकवचने वर्तते अत्र। हाँ, तो बहु यागा बहवः सन्ति इति, तो यागा यागाः इति बहु नहीं,
ये प्रकृति में कहा गया है। देखो इति चोदक प्रतिदिशति, चोदक का मतलब हुआ प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, प्रकृतिवत विकृति करनी चाहिए, ये यहां पर चोदक वाक्य है। तो प्रकृति में कैसे किया जाता है, तो प्रकृति में यह है कि एकादश अवदानों से ये याग पूरा किया जाना चाहिए, एक याग जो चीज मैं आपको कह रहा था अभी। तो एक याग 11 अवदानों से किया जा रहा है, उससे ज्यादा अवदानों से नहीं। अभी 11 अवदान है, अगर हम 17 के अवदान गण ले लेंगे तो अब 11 अवदान नहीं रहेंगे, वो अवदान 187 हो जाएंगे। 11 अवदानों से एक याग करना है। अब एक अवदान गण नहीं कहा जा रहा है यहां पर, 11 अवदानों से एक याग किया, एक पशु था, अब 17 पशु ले लिए, तो अब जब याग करेंगे 17 पशुओं से तो प्रत्येक पशु से 11-11 अवदान लेंगे, प्रत्येक पशु से 11-11 अवदान लेंगे, तो कुल कितने अवदान हो जाएंगे, 187 हो जाएंगे। तो ये प्रकृति से विकृति में बदलाव आ जाएगा, जबकि प्रकृति क्या कह रही है, 11 अवदानों से एक याग करना चाहिए। अब पशु संख्या बढ़ा दी गई है तो याग तो एक याग तो 11 अवदानों से ही करना है, ये धर्म बनाए रखना है एक याग का। तो इसके लिए हमारे पास अवदान हो गए 187, तो हमें कितने याग करने पड़ेंगे, 17 याग करने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे। और ये जो 11 अवदान है उसके लिए आगे कहा कि ये अवदान एक ही पशु से लिए जाएंगे, कहीं वो करते हैं कि भाई 17 में से एक से ले लिए बाकी अदृष्ट के लिए हो गए, या एक पशु से एक अवदान लिया दूसरे से दूसरा लिया, ऐसे 11 पशुओं से 11 अवदान ले लिए और बाकी के 6 पशु अदृष्टार्थ हो गए, ऐसा भी कुछ करेंगे, वो सब असंगत होगा। तो 11 अवदान होने और एक ही पशु से होने, उससे एक याग होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो इसलिए 17 याग करने होंगे। नवती पृष्ठ हाँ, तृतीय पंक्ति तथा सती और तदर्थत्वात् न ते प्राजापत्या भवेयु, यदि अदृष्टार्थ कल्पना स्यात् तो प्राजापत्या न भवेयु इति कथम। अगर इसको अदृष्ट कल्पना माने, जैसा पूर्व पक्ष ने कहा एकम आलभ्यमानम अनवालभ्येरन अदृष्टार्थाय अपरे, बाकी सारे अदृष्ट के लिए हो जाएंगे, विकल्प दिया उसने, तथा सती ऐसा होने पर अतदर्थत्वात्, क्योंकि वो जो 11 पशु हैं वो प्रजापति देवता के लिए तो दिए नहीं गए, केवल एक पशु के 11 अवदान प्रजापति को संकीर्तित करके आहूत किए गए, बाकी को तो नहीं किए गए, तो उनको उन पशुओं की बाकी के 16 पशुओं की प्राजापत्य संज्ञा कैसे होगी, वो प्रजापति देवता के लिए तो हुए नहीं, प्रजापति देवता के लिए दिया ही नहीं गया उनको, तो इसलिए वो प्राजापत्य नहीं कहलाएंगे। जबकि यहां वाक्य में क्या लिखा है, सप्तदश प्राजापत्यान पशुन, तो प्रजापति के लिए तो होना ही चाहिए, प्रजापति है देवता जिसका, और देवता तभी होगा जब उसके लिए प्रदान किया जाएगा, वो चीज उसके लिए होगी वो हवी, इसलिए इनकी प्राजापत्य संज्ञा नहीं हो सकती है। ठीक है, आप अदृष्ट के लिए मान रहे हो सकता है एक संभावना, कुछ नहीं, लेकिन प्राजापत्य, ये जो श्रुति 17 के साथ प्राजापत्य संज्ञा आ रही है वो सार्थक नहीं हो पाएगी, ये कह रहे हैं। एक अनुवादि पृष्ठ है हाँ, इसमें देखो ये एक पंक्ति और भी लिखी है आगे 490 पर ही, चौथी पंक्ति के मध्य से, तेन एकस्मिन पशु पृथक्वे निवेशिनी सप्तदश संख्या नावकल्पते। ठीक है हाँ, आगे क्या पूछ रहे हैं, 190 पृष्ठे हाँ 491 द्वितीय पंक्ति दूसरी पंक्ति हाँ, अवदानानि हविंसी याग साधनानि न पशु आकृति हाँ, तो पशु आकृति अस्य चर्चा कथम अत्र, पशु आकृति ये कि सिद्धांति ने कहा था कि ये संख्या पशुओं में है, और पशुओं में है और अवदान गुणों में नहीं है,
और वहाँ पर हवियाँ कौन सी देनी है, अवदान वाली याग के साधन है। अगर कोई ये कहे कि 17 प्राजापत्य पशु हैं, एक ही याग है और उन पशुओं को ही हम वहाँ पर आहूत कर देंगे, संख्या को अवदान गण उसमें लेंगे, तो पशुओं को तो दे नहीं सकते हैं वो, क्योंकि सूत्र इसमें वाक्य में तो लिखा है ना सप्तदश प्राजापत्यान पशुन, तो 17 संख्या पशुओं के लिए है, तो पशु देवता के लिए है तो पूरा का पूरा पशु दिया जाएगा फिर, क्योंकि एक पशु से तो अवदान से हो गया और बाकी के जो पशु बचे वो प्रजापति देवता के लिए करेंगे तो किस रूप में जाएंगे, वो पशु पशु के रूप में जाएंगे। तो लेकिन ये जो अवदान है ये तो हवि के साधन है, हवियाँ हैं ये, तो ये जितनी हवियाँ हैं वो पशु की आकृति की नहीं है। अगर ये पशु की आकृति के होते तब तो ये 17 संख्या सीधी हवियों में ले ली जाती कि भाई पशु हैं, 17 संख्या पशु के लिए कही गई और पशु ही के रूप में ही हवि दी जा रही है, 17 संख्या पशु में लगती हुई और पूरा का पूरा पशु आकृति जो है वो कि वो पूरी हवि के रूप में जाती, लेकिन वहाँ हवियाँ अवदान के रूप में हैं, अवदान जो हैं वो हवि हैं, वो पशु रूप में नहीं है, इसलिए वैसे नहीं दे सकते हम इसको। और ये जो अवदान है आगे जो लिखा है, साही अवदान प्रकृति द्रव्यम विशिष्यति, अवदान प्रकृति का जो अवदान की प्रकृति वाला जो द्रव्य है, अवदान की प्रकृति है वो पशु, उस द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रकृति में प्रधान का उपकार करती है। इसी प्रकार विकृति में भी अवदान प्रकृति द्रव्य को विशेषित करते हुए वो प्रधान का उपकार करेगी, अर्थात इन 17 से भी अवदान ले ले करके पूरा किया जाएगा, पशु को नहीं लिया जाएगा पूरा। प्रथम परिच्छेदस्य अस्मिन् पृष्ठे, प्रथम परिच्छेदस्य नीचेतः तृतीय पंक्ति, पृष्ठ संख्या 491 प्रथम अनुच्छेद नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ, तेषां अन्यतम गृह्यते इति। हाँ, तो पूर्व पक्षी अत्र कथम मानते अन्यतम गृह्यते, पूर्व पक्षी ये ले रहा है कि प्रकृति में जैसे एक पशु है, विकृति में भी एक पशु लेना है, लेकिन प्राजापत्य 17 पशुओं में से कोई सा एक ले लेना है। यदा सप्तदश विधानम अस्ति तो एकस्य ग्रहणम कथम भविष्यति, प्रकृति में चूंकि एक ही है और एक ही से 11 अवदान लेने हैं, लेकिन वो एक कहाँ से लिया जाए, सप्तदश संख्या को पशु में ही घटाना है, याग भी एक ही रखना है, याग एक रखें तो 17 पशुओं का कर नहीं सकते हैं, तो 17 संख्या को पशु में भी घटाना है, एक ही पशु भी रखना है, 11 अवदान ही रखने, तो कैसे करेगा पूर्व पक्षी। तो बोले ठीक है 17 संख्या पशुओं में कर ली, वो 17 तरह के पशु हैं, कोई इस रंग का, कोई इस रंग का, कोई इस रंग का, किसी के एक सींग, किसी के दो सींग, किसी के बिना सींग, ऐसे बहुत सा, ऐसे अलग अलग तरह के 17 पशु ले लिए, उसमें से कोई एक ले लिया जिस जो पूरे लक्षण घट रहे हों, तो 17 संख्या पशुओं में भी घट गई और उसमें से एक छांट लिया और उस एक के 11 अवदान करके आहुति दे दी। पूर्वम सिद्धांतिना उक्तम कि एकस्य ग्रहणम करिष्यति चेत् अन्येषाम् अदृष्टार्थ कल्पनायाम् अपि न भवितुमर्हति, अदृष्टार्थता की जगह पे पूर्व पक्षी एक समाधान दे रहा है कि छांटने के लिए वो 17 लिए गए। वे कह सकता है पूर्व पक्षी वो जो 17 हैं अलग अलग प्रकार के वो ले लिए और उसमें से एक छांट रहे हैं, ना सप्तदश से का किम प्रयोजन, सप्तदश प्रयोजन है कि 17 है और उसमें से एक छांट करके लेंगे हम, थोड़ा सा तो आप ही एकम ग्रही तुम्हारा थी ले सकते हैं वो तो, वो लेकिन 17 लिखा है तो 17 लेंगे, प्रयोजन तो है आप 16 से ले सकते हो, इसलिए 17 का प्रयोजन नहीं है ये खंडन नहीं होता है, वो प्रयोजन आप 16 में से भी निकाल सकते थे, आप 20 में से भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रयोजन तो फिर भी है ना 17 में से भी निकाल रखा है, 17 विशेष प्रयोजन से उन्होंने कहा होगा लेकिन 17 में से छांटना है, क्योंकि प्रजापति के साथ में 17 संख्या है। तो ये तेषाम अन्यतमो गृह्यते, लेगा तो एक ही है, उनमें से किसी एक को ले रहा है। पूर्व पक्षी को पूरे तर्कयुक्त और बिल्कुल ठीक बात बोले ऐसा नहीं कर सकते ना, वो कुछ तो गड़बड़ करता ही है, कुछ ही छोड़ के चलता ही है, ढीला बोलता है वो, तो प्रश्न तो खड़े हो ही सकते हैं इस पर, लेकिन ये ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा कह रहा है, बस इतना ही समझना है कि पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है, ये वचन ठीक है, इसको सत्य सिद्ध करना है ये कोई बात ही नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी का आधार तो सियात, पूर्व पक्षी का आधा आधार होता है,
पूरा आधार हो ये को थोड़ा होता है, पूरा आधार हो तो फिर वो गलत बात बोलेगा ही नहीं, किसी आधार को छोड़ देता है किसी को ले लेता है और अपने मन में जो उहा आई बोल दिया भाई। बातचीत में नहीं होता है, जैसे कोई उत्तर तो है नहीं और तत्काल जो दिमाग में सूझा हो उसको उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, होता है ना ऐसा सबके साथ, आपके साथ भी होता है, उसी समय जो आया तो होता नहीं इसका तो कोई आधार ही नहीं है कैसे बोल दिया आपने भाई, उस समय सूझ गया जो बोल दिया, पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी तो बोलेगा ही ऐसा, सिद्धांत उसका खंडन कर रहा है फिर। द्वितीय परिच्छेद प्रथम पंक्ति, दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, हाँ। एकस्मिन नष्टे दुष्टे कृष्ण पशुगण आवर्ते थे, तो एकस्मिन नष्टे कथम कृष्ण पशुगण आवर्ते थे, क्योंकि अगर इकट्ठा सारा का सारा हो, सारी चीजें इकट्ठी हो तो सर्वमिति किम अष्टाशीति सप्ताशीति उत्तर एक वह सप्तदश गृहंधी में एकादश गृहंधी न जानम, वो सारे के सारे पशु पशुगण है, 17 पशु ले लिए, 17 पशु ले लिए ठीक है, और अब अगर वो सब गणों को मिला करके कर रहा है, 17 पशुओं के आहुति तो एक ही देनी है, अब प्रत्येक पशु से 11 अवदान ले लिए, उन सबको भी मिला लिया, अब कुछ भी नष्ट हो गया वहां पर, तब दोबारा बनाने के लिए क्या करना होगा, वापिस सारे 17 के 17 लेने होंगे, 17 से प्रत्येक से 11-11 अवदान ले लिए, इकट्ठे कर दिए, अब उसमें कुछ विकार हो गया, नष्ट हो गया, वो गिर गया, दग्ध हो गया, कुछ भी खराबी हो गई, तो अब दूसरा लेना है, तो दूसरे में कितने लेंगे, वापस 17 पशु लेने होंगे, और यदि एक एक पशु का ही एक याग है तो यदि खराब हुआ है तो उस याग के लिए एक ही पशु निर्धारित है तो वही फिर ले लिया जाएगा। एक अभिन्न प्रश्न, हाँ, अत्र यथा व्याख्यातम अस्ति आचार्य उदयवीर शास्त्रिणा, हाँ, भिन्न रूपेण व्याख्यातम, हाँ, तेन उक्तम कि पशु अत्र कृषि प्रधान देश अस्ति तत्र पशुनाम पालनम मुख्य रूपेण भवति, तो पशुनाम मार्जनम शोधनम स्नानादिकम आवश्यकम तेषाम अंगानम तत्र शोधनम कुर्यात् न तु अवदानम इति तेषाम आहुति रूपेण प्रदानम। उदयवीर जी ने ये लिखा तो उन्होंने इसमें अपनी तरफ जो संगति है वो लगाने का प्रयास किया है कि कृषि प्रधान देश है, इन्होंने जो कहा उसी बात को दोहरा रहा हूँ, कृषि प्रधान देश है, पशु पालन होता है यहाँ पर, तो पशु के विभिन्न अंगों का शोधन वहाँ पर किया जा रहा है, शोधन करके उसका बिक्री होती है या उसको स्वस्थ रखना है इत्यादि, तो ठीक है उन्होंने अपनी इस तरह से संगति दी है तो एक दृष्टि है उनकी, हाँ, वो कैसे शोधन करते हैं क्या करते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है ये देखने की बात है, कोई तो हृदय को शोधन करना है, अन्य अंदर के जो अवयव है उनको कैसे शोधन करेंगे, बाहर का शोधन तो चलो जल से और चीजों से कपड़े से कर दिया, अंदर की चीजों का शोधन वो क्या करेगा, और करेगा तो वहाँ पशु में बेचने के लिए जा रहा है उस पशु को, वहाँ क्या अंतर पता लगेगा लोगों को, इसका शोधन कर दिया है और ये शुद्ध किया हुआ है, तो बाहर का शोधन ही है, अंदर का शोधन क्या पता लगेगा, और अंदर करेंगे कैसे, भावना से कैसे करेंगे, पशु हैं वो, तो इसलिए एक प्रयास इतना समझना चाहिए कि जो साक्षात पशु की बात की जा रही है और पशु हिंसा की बात यहां प्रतीत हो रही है उसकी उन्होंने संगति का प्रयास किया है, एक प्रथम स्तर पर संगति का प्रयास किया है, इतना ही उसको लेना चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाना है तो उसकी व्याख्या करनी होगी, उस पर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा ऐसा। और यहां पर जो युधिष्ठिर जी ने लिखा है, चूंकि वो इससे संबंधित पशुवध इत्यादि याग में होता ही नहीं होता है उस विषय में स्पष्ट कह चुके हैं, पहले भी लेख लिख चुके हैं, बीच बीच में भी जो प्रसंग आए हैं उसमें कई बार स्पष्टीकरण कर चुके हैं, अब वो हर बार करें ये आवश्यक नहीं है, उनकी शैली वैसी नहीं है, तो यहाँ कहीं उन्होंने कुछ संशोधन नहीं किया और जैसा भाष्य में लिखा है वैसा का वैसा अनुवाद कर दिया है सारा कथन, तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो इस पशु हिंसा का समर्थन करते हैं।
अच्छा जी, उदयवीर जी वाली बात को मैं थोड़ा बताता हूँ। उसमें प्राचीन काल में अब से 30-40 साल पहले जो हल चलते थे तो उसमें अमावस्या पूर्णिमा को हल बंद रहते थे और पशुओं को बैलों को विश्राम दिया जाता था। तो उसमें उस दिन पशुओं की सफाई वगैरह अंगों की पूरी सफाई की जाती थी। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ लग रहा कि वो उदयवीर जी ने लिखा है उस बात को कि ऐसा परंपरा में रहा है हमारे, और पशुओं से संबंधित विशेष कर्म वहाँ पर किए जाते थे। ठीक है, उस रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये उसी को कह रहे हैं, ये एक विचारने की बात है। और ये जो है ये सोमयाग का भाग है, सोम भाग की संस्थाओं में से पांचवीं वाजपेयी संस्था सोमयाग है ये। और सोमयाग ऐसे ही हर अमावस्या पूर्णिमा को किया जाता हो ये नहीं है, ये तो साल में एक बार करते हैं, वसंत ऋतु में ब्राह्मण करता है या और अलग अलग ऋतुओं में अन्य व्यक्ति करते हैं। तो आप जो बात कह रहे हो वो तो हर अमावस्या पूर्णिमा की बात है, और आजकल जैसे कृषि वाले होते हैं वो अवकाश रखते हैं पूर्णिमा को, जैसे कि सब्जी मंडी यहाँ आज भी बंद रहती है, पूर्णिमा को बंद रहती है, और दिन अवकाश नहीं करते वो रविवार आदि का। लेकिन पूर्णिमा को देखो, ये जो खेती करने वाले हैं तो काम नहीं करते हैं, ऐसा उतना अंश अभी भी चला हुआ आ रहा है, तो सब्जी लाते भी नहीं है और बिकती भी नहीं है, बेचने वाले भी नहीं करते, क्योंकि बेचने वाले भी पहले माली समाज के ही होते थे अधिकतर, वो खेत में बोते थे, खेत से लाते थे और वही बेचते थे, नया ताज़ा पालक गाजर मूली जो भी चीज़ें हैं, माली समुदाय इन चीज़ों को फल सब्जियों को उगाता था, सब्जियों को, और वो बेचता था। एक तो माली होते हैं जो उद्यान वगैरह में देखते हैं, वो एक माली अलग हो गए, खेतों में भी जो करते हैं यहाँ इसके आसपास का राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में बहुत हैं, जोधपुर में बहुत हैं, यहाँ अजमेर ब्यावर सब जगह माली समुदाय होता है जो कि खेती से संबंधित होता है, और भी जगह और राज्यों में भी होते होंगे, जैसे हरियाणा में सैनी के नाम से बोला जाता है, हाँ सैनी बोलते हैं ना माली समुदाय को, सैनी गोत्र लगाते हैं हरियाणा में, जैसे सैनी मतलब वो कृषि और इससे संबंधित कार्य करते थे। तो अब वो पशु भी रखते ही होंगे, बैल भी होता, बैल से ही कृषि होती थी, तो उस समय अवकाश जो आप बात कह रहे हैं वो देखा जाता था, आज उतना नहीं है लेकिन संकेत है, पर उसको पूरे सोमयाग से हम जोड़ें ये बात नहीं। और ये जो किए जा रहे हैं सोमयाग, मान लो ऐसे कोई राजा के क्षत्रिय के द्वारा किया जा रहा है, कोई ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ये फिर उन लोगों से संबंधित जोड़ना चाहिए, पूरी संगति की बात है, पूरी संगति लगे, प्रतीक रूप में तो संगति लगती है। ठीक है, और कोई तो आगे का पाठ देखेंगे, पृष्ठ संख्या 493 मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद और उसका 8वां अधिकरण। शीर्षक देखिए, संज्ञाकृत कर्म भेदाधिकरणम। अभी इनकी प्रवृत्ति क्या चल रही है, कर्म भेदाधिकरण बता रहे हैं कि देखो ये कर्म का भेद है, कर्म का भेद है, कर्म का भेद करने के आधार अलग अलग हैं, कहीं किसी चीज से कर्म का भेद प्रतीत हो रहा है, कहीं किसी से, उसके उदाहरण दे करके इन्होंने अलग अलग अधिकरण बना रखे हैं। तो ये इस अधिकरण में संज्ञा से यानी नाम से कर्म का भेद निर्धारित होगा, कुछ नाम लिखे गए उससे पता लग जाता है कि ये अलग 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 कर्म है, ये प्रसंग है। तो उसके लिए इन्होंने विचार वाक्य उठाया है, अथईश ज्योति रथईश विश्व ज्योति रथईश सर्व ज्योति, जो बाद वाला है अथई, आई कर लेना इसको। तो अब ये ज्योति है, अथईश ज्योति ये एक बात हो गई, अथईश विश्व ज्योति ये दूसरी बात हो गई, और अथईश सर्व ज्योति। तो ज्योति सर्व ज्योति और विश्व ज्योति ये तीन शब्द यहां पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो एतेन सहस्र दक्षिणे न यजेता, एतेन इसके द्वारा 1000 दक्षिणा से यजन करें, 1000 अक्षिणा वाले इससे यजन करें। सहस्र दक्षिणे न एतेन, सहस्र है दक्षिणा जिसकी, ऐसा ये याग उससे यजन करें। तो परोक्ष रूप से आ रहा है कि इसमें 1000 दक्षिणा होनी चाहिए। तो 1000 दक्षिणा क्या, तो आजकल अगर हम बोलते हैं भाई 1000 दक्षिणा दी तो 1000 रुपए ही आता है हमारे प्रसंग में, वो 1000 डॉलर नहीं आता, 1000 पशु नहीं आते, 1000 कपड़े नहीं आते, 1000 फल नहीं आते, रुपए ही आते हैं हमारे प्रसंग से। उस समय में गाय को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था,
तो 1000 दक्षिणा, 1000 गायों वाली दक्षिणा वाला ये होता है। वैसे जो दक्षिणा दी गई है प्रकृति में वो 1012 की है, 1012 गायों की। तो वहां पर जो प्रकृति में मिलता है वो द्वादश सहस्रम मिलता है। द्वादश सहस्रम का मतलब 12000 नहीं होता है, कई बार उस तरह का अर्थ ले लेते हैं ना कि द्वादश सहस्रम मतलब 12000 हिंदी में जैसे बोलते हैं, तो द्वादश सहस्रम का मतलब है 1012। सोमयाग में भी था वो द्वादश सहस्रम, द्वादश सहस्रम बोलते हैं। वो कहते हैं जी आजकल क्या दक्षिणा दी जाती है, कुछ भी नहीं। पहले देखो कितनी दक्षिणा दी जाती थी, राजा लोग देते थे, बड़े बड़े सोमयाग करते थे, उनके पास इतनी गायें होती थी। एक ऋत्विक को मुख्य होता है, दूसरे को फिर उसकी अर्धी होता है, त्रिपादी और पादी जो वो अलग अलग नीचे वाले होते हैं, वो इसी के आधार पर फिर कम कम दक्षिणा होती है उनकी। तो जो मुख्य चार होते हैं उनकी ये दक्षिणा है, अथवा तो इसको पूरे को लेकर के इसके टुकड़े कर करके फिर सबको बांटा जाएगा। तो आजकल भी एक तो गाय है, तो गाय भी तरह तरह की आती है, गाय 20000-30000 की भी मिल जाती है, 20 गाय 50000 की भी मिलती है, तो गाय 1 लाख की भी मिलती है, या उससे भी महंगी जा सकती है कोई गाय। तो कौन सी गाय, तो देने वाला अगर कम में देना है तो वो तो हल्की से हल्की देगा। आजकल जो किया जाता है वो एक गाय का रुपया निश्चित कर लिया जाता है। अगर एक गाय का 1000 रुपया भी लगाया जाए तो 1012 गायों के लिए 1,12,000 रुपये हो जाते हैं। 1000 गायों की दक्षिणा है तो 1,00,000 रुपया हो जाता है। अब इतने ऋत्विक हैं, कितनी दक्षिणा जाएगी, लाखों में जाएगी। तो 1000 तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको 20000-25000 मान लें, एक गाय का 25000 रुपया माने, ठीक ठाक गाय है 30000 माने, तो देखो कितने कितने लाख हो जाएंगे उसके, 25-30 लाख रुपए हो जाएंगे केवल दक्षिणा के लिए। तो ये कुछ निश्चित करते हैं आजकल, रखते तो उसी संख्या में है इतनी गायों की दक्षिणा, लेकिन गाय का मूल्य रुपए कर लेते हैं। तो 100 रुपए की एक गाय, 500 रुपए की एक गाय, जो जैसा होता है बस उसके हिसाब से दक्षिणा होती है। तो उतनी गायों की दक्षिणा मान ली जाती है, गाय वास्तव में ली दी नहीं जाती है, तो रुपए लिए दिए जाते हैं, आजकल ये चलता है। तो ये जो है एतेन सहस्र दक्षिणे न यजेता, 1000 दक्षिणा है। तो प्रकृति में 1012 थी, यहां पर 1000 कहा गया, ये विकृति में इन्होंने गुण परिवर्तन किया है, उसका विकार है ये। इति श्रूयते। तो कहते हैं अत्र संदेह किम एभिर नामधेय प्रकृतम ज्योतिष्टम संकीर्त्यते, क्या इन नामों के द्वारा, यानी ज्योति ही विश्व ज्योति सर्व ज्योति, इन नामों के द्वारा जो प्रकृत ज्योतिष्टों में प्रकरण में जो चल रहा है, वो ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ये वाक्य पढ़े गए हैं, तो जो प्रकृति ज्योतिष्टोम है उसी का ही संकीर्तन किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है। तत्र सहस्र दक्षिणा आदिर गुणों विधीयते, वहां सहस्र दक्षिणा इस संज्ञा से गुण का कथन किया जा रहा है, द्रव्य की संख्या का कथन करना ये भी गुण कथन ही कहलाता है। तो प्रकृत याग ज्योतिष्टोम ही है, लेकिन उसमें गुण संख्या गुण का विधान किया जा रहा है, ये एक पक्ष हुआ। अथवा वक्ष्यमाण विशेषणानी, वक्षमाण विशेषाणी कर्मांतराणि उपदिश्यन्ते इति, अथवा ये कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त कर्मांतर कहे जा रहे हैं। विशेषण मतलब इसमें 1000 दक्षिणा होगी, 1000 गायों की दक्षिणा होगी, ये विशेष नए विशेषण से युक्त नए कर्म कहे जा रहे हैं, ज्योतिष्टोम नहीं है। तो किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रकरणानुग्रहात् प्रकृतस्य गुण विधानम इति, प्रकरण के अनुरोध से, प्रकरण का अनुग्रह माने तो चूंकि प्रकरण ज्योतिष्टोम का चल रहा है इसलिए प्रकृत में ही गुण का विधान किया गया है, ज्योतिष्टोम को ही में ही विशेष गुण का कथन किया गया है। इस पर सिद्धांती कह रहा है ननु वाक्य सामर्थ्या ज्योतिरादीनाम एते गुणा विधि विधाइष्यन्ते, बोले वाक्य के सामर्थ्य से तो यह पता लगता है कि ज्योतिरादियों नाम वाले कुछ याग हैं उनमें ये गुणों का विधान किया जा रहा है। अगर ज्योतिरादि नाम वाले यागों के लिए ये गुण नहीं कहा जाता तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता के नियम से प्रकृति में जो 1012 हैं वो ही यहाँ पर भी प्राप्त होती, ये अलग अलग हैं। अब दोनों ने जो प्रमाण दिया वो किस ढंग से प्रस्तुत किया, पूर्व पक्षी का था प्रकरणानुग्रहात्, प्रकरण से ये पता लग रहा है, ज्योतिष्टोम के लिए ये कहा जा रहा है, ये कैसे पता लगा, प्रकरण से पता लगा, तो ये प्रकरण प्रमाण हो गया। और सिद्धांती ने जो कहा वो कैसे पता लगा, वाक्य से पता लगा,
तो अब दोनों में अगर देखा जाए तो प्रकरण और वाक्य में वाक्य बलवान होता है, इसलिए वो ही अर्थ लिया जाएगा, प्रकरण वाला नहीं लिया जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं दोषः, बोले ये कोई दोष नहीं है कि ये प्रकरण से हमने लिया है, आप तो वाक्य से ले रहे हो, मैं प्रकरण से ले रहा हूं, तो ये कोई दोष बन गया है। बोले दोष नहीं है, समाधान कर रहा है पूर्व पक्षी। ज्योतिष्टोमस्य एतानि वाचकानि, ये जो तीनों शब्द हैं ज्योति ही विश्व ज्योति और सर्व ज्योति, ये ज्योतिष्टोम शब्द के कहने वाले हैं। कैसे? देखा ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य प्रतीकम उपादीयते, इन तीन शब्दों में नामों में से जो ज्योति ही शब्द है अकेला ज्योति, ये ज्योतिष्टोम के ज्योति शब्द को प्रतीक के रूप में लिया गया है, क्योंकि ज्योतिष्टोम ज्योति ही स्तोम तो वहां पर भी ज्योति शब्द है, तो ज्योतिष्टोम की जगह प्रतीक रूप में एक छोटा सा नाम ले लिया गया ज्योतिष्टोम। जैसे बहुत से नाम होते हैं कमल देव, तो देव भी बोल देते हैं कमल भी बोल देते हैं, या और भी ऐसे नाम हो विश्वदेव है तो विश्व बोल देते हैं उसको, केवल छोटे नाम एक भाग लेकर के, तो बड़े प्रतीक रूप में लिया गया ये। तो ये तो हुआ ज्योति शब्द का समाधान पूर्व पक्षी के द्वारा, लेकिन विश्व ज्योति और सर्वज्योति दो शब्द हैं, उसमें कहा उसमें कैसे करेंगे, उसका उत्तर दे रहा है कि विश्व ज्योति रीति त्रिवृतादीनी अस्य ज्योतिषी वाक्य शेष संकीर्ति थानी। बोले ये जो विश्व ज्योति शब्द है, तो ज्योति के साथ में जो विश्व है, विश्व संपूर्ण का वाचक है, अनेकों का वाचक है, अनेकार्थक का ये, तो कहा कि त्रिवृत आदि कुछ स्तोम है उनको, उन सब को यहां पर लिया जाता है, इसलिए इसको विश्व ज्योति शब्द से कहा गया। तो त्रिवृत आदि शब्दों को ज्योति नाम से कहा गया है और वाक्य शेष से उसका संकीर्तन किया गया है। वो कहां किया गया, तो यहां भाष्य में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिए नीचे देखिए टिप्पणी संख्या एक, एक ही टिप्पणी है नीचे, क्या वाक्य है, क्षत्रिय ब्राह्मण का ये वचन है, त्रिवृत पंचदशः सप्तदशः एकविंशः, ये चार इन्होंने स्तोम बताए, साम के जो गान होते हैं उसके प्रकार हैं कितने कितने में, तो त्रिवृत पंचदश सप्तदश और एकविंश, एतानी वावत तानी ज्योतिंशी, ये ज्योतियां हैं कौन, य एतस्य स्तोमः, जो इस याग के स्तोम हैं यही इसकी ज्योतियां हैं। ज्योतिष्टोम में जो ज्योति शब्द है वो ज्योति क्या है, वहां पर किसके कारण से ज्योति कहा गया, तो ये जो स्तोम है त्रिवृत पंचदश सप्तदश और एकविंशी, ये इसकी ज्योतियां हैं और इसलिए इसको ज्योतिष्टोम कहा गया, ये एक वाक्य मिला। तो ये जो वाक्य शेष है, वाक्य शेष कौन सा, एतानी वावत तानी ज्योतिंशी, ये सारे ज्योतिष हैं, तो ये इसके स्तोम है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि विश्व ज्योति शब्द से जो त्रिवृत आदि ज्योतियां हैं उनको लिया जाएगा, ये वाक्य शेष से संकीर्तित हैं। विश्व ज्योति मतलब त्रिवृत आदि सारी जो ज्योतियां वो सारी की सारी ली जाएंगी, तो है ज्योतिष्टोम ही, लेकिन उसको विश्व ज्योति शब्द से कहा गया है। आगे तानी सर्वाणी अस्य, ये सारी की सारी ज्योतियां इसकी होती हैं, अस्य कस्य, अस्य ज्योतिष्टोम अस्य, तो ज्योति शब्द तो प्रतीक रूप में लिया गया और विश्व ज्योति शब्द इन सब ज्योतियों का वहां पर ग्रहण है, ज्योतिष्टोम में सारी ज्योतियां होती हैं ये बताने के लिए विश्व ज्योति शब्द कहा। तेन असौ विश्व ज्योति सर्व ज्योतिष ज्योतिष्टोम इत्येवं प्राप्तम्, तो इसी कारण से इसको विश्व ज्योति कहा, इसी कारण से इसको सर्व ज्योति कहा, इस प्रकार ये ज्योतिष्टोम ही प्राप्त हो रहा है, कुछ और नहीं है, नए कर्म नहीं है। अब देखिए विश्व ज्योति और सर्व ज्योति, सर्व ज्योति के लिए अलग से कोई समाधान नहीं दिया, जो समाधान विश्व ज्योति से है वही सर्व ज्योति से है। विश्व शब्द सर्व का भी वाचक है, अनेकों का भी वाचक है, सहस्त्र का वाचक है, लेकिन सब का भी वाचक है, कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम। अब उसका अर्थ सामान्यतः क्या किया जाता है, समस्त संसार को आर्य बनाते हैं। कल भी वहां पर कार्यक्रम में कहा कि पहले तो जब इसमें विश्वकर्मण तो विश्वमार्यम, तो हम तब जा सकते हैं जब पहले स्वयं आर्य बने, फिर अपने परिवार को आर्य बनाएं, फिर अपने समाज को आर्य बनाएं, फिर राष्ट्र को आर्य बनाएं, फिर पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। विश्व का मतलब ये पृथ्वी पूरी, पूरी पृथ्वी, तो ये इस तरह के अर्थ जो प्रचलित होते हैं वहां पर संपूर्ण को आर्य बनाते हुए, संपूर्ण को आर्य बनाते हुए वहां तात्पर्य है अपने आप को पूरा आर्य बनाते हुए, अपने को पूरा आर्य बनाते हुए, कृणवंतो विश्वमार्यम का अर्थ है अपने को पूरा आर्य बनाते हुए, पूरे विश्व को आर्य बनाते हुए वो नहीं है जो कि प्रचलित अर्थ चल गया है। पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश इस बात को बार बार बोलते हैं, या ब्रह्मा बने थे तब भी बोला था,
और वो एक बार जब मैं रोजड़ में पढ़ता था, 95 की बात होगी, 94-95 की, तब वो आए थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी, ये भी बात कही थी वहां पर उन्होंने, कृणवंतो पूरे को आर्य बनाते हुए, अपने को आर्य बनाते हुए पूरे मंत्र की रचना की दृष्टि से। तो ये विश्व शब्द जो है सर्व का भी वाचक है, इसलिए यहां पर सर्व विश्व ज्योति और सर्व ज्योति शब्द भी आया हुआ है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो इति एवं प्राप्ते ब्रूमा, अब सिद्धांती बात को रख रहा है। 22वां सूत्र है, संज्ञा चेत उत्पत्ति संयोगात। उनका कहना है कि ये तो संज्ञा ही है, क्यों? क्योंकि उत्पत्ति का संयोग है, उत्पत्ति मतलब कर्म की उत्पत्ति, कर्म की विधि वहां पर की जा रही है, नया कर्म है और फिर ये नाम रखे गए हैं संज्ञा है, तो ये नया कर्म ही माने जाएंगे। कर्म का जो उत्पत्ति वाक्य है उसके संयोग से ये कर्म के भेदक होंगे, संज्ञा चेत उत्पत्ति संयोगात। भाष्य देखिए, संज्ञा ही तिस्रो भेदिका तेषाम ज्योतिराद्या, ये उन तेषाम कर्मणाम, उन कर्म की ये जो ज्योति आदि संज्ञा है, ये तीन संज्ञाएं हैं, ये भेदिका हैं, भिन्न भिन्न है ये, क्यों? उत्पत्ति वाक्य ही एताश्रुयन्ते, क्योंकि ये संज्ञाएं उत्पत्ति वाक्य में कही गई हैं, उत्पत्ति वाक्य में यदि भिन्न भिन्न नाम आ रहे होंगे तो ये भिन्न भिन्न कर्म ही माने जाएंगे। नासाम इमा पुनः श्रुतया, नासाम इमा पुनः श्रुतया, ये इन संज्ञाओं की पुनः श्रुति नहीं है कि पहले कहीं विधि कर दी गई है और फिर कोई संज्ञा कर दी गई है और उसकी पुनः श्रुति हो, यदि ये किसी की पुनः श्रुति होती तब तो इसको नया कर्म नहीं मानते, लेकिन ये उत्पत्ति विधि है, कर्म बताया जा रहा है और साथ में संज्ञा है, तो ये भिन्न भिन्न ही मानी जाएंगी। तस्मात इसी कारण से यहां पर देखो कथन क्या, अथईश ज्योति ही इति अपूर्वस्य कर्मणो विधायकम वाक्यम। अथईश ज्योति में ये जो अथ एष अथ शब्द पर खासतौर से जोर है कि ये एक नया कर्म बताया जा रहा है, अथ एष ज्योति, ये अपूर्व कर्म का विधायक वाक्य, जब अथ करके कह रहे हैं और यहां तो इन्होंने एक ही बात लिखी है लेकिन इससे पूरे की तरफ संकेत है, अथईश ज्योति ही, और फिर अथईश विश्व ज्योति, अथईश सर्व ज्योति, ये जो अथईश अथईश करके लिखा गया है ये इस बात का संकेत है ये अलग अलग कर्म है, वाक्य ये कह रहा है। आगे अनुवादे ही सती, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांत कि यदि आप इसको अनुवाद मानते हो तो अप्रवृत्ति विशेष कर्म अनर्थकम स्यात्, तो इससे अगर इसको अनुवाद है तो ये प्रवृत्ति किस लिए, ये वाक्य की रचना किस लिए, इसमें कौन सी नई बात कही गई है, ये अप्रवृत्ति कर हो जाएगा, कोई विशेष कुछ प्रवृत्ति को करने वाला नहीं होगा क्योंकि ज्योतिषों को तो कह ही चुके हैं पहले, तो अप्रवृत्ति विशेष कर होने से ये अनर्थक हो जाएगा, इसका कोई प्रयोजन नहीं बनेगा। प्रकृतस्य च गुण विधाने विकल्पो भवेत, और यदि आप ये कहते हो कि प्रकृति का ही विधान है, प्रकृति का ही गुण विधान है, तो बोले विकल्प की प्राप्ति होगी, क्यों? क्योंकि प्रकृति में ज्योतिषों में 1012 दक्षिणा कही गई है, अब अगर यहां पर नया गुण कहा जा रहा है और है प्रकृति ही, क्योंकि अगर इसको पूर्व पक्षी ज्योतिषों ही मान रहा है तो विकृति याग तो कह नहीं सकते, अगर विकृति याग मानेंगे तो नया कर्म मानना पड़ेगा, और नए कर्म में अगर 1000 कहा गया है तो प्रकृति में तो 1012 ही रहेगी, विकृति में 1000 हो जाएगी, पर पूर्व पक्षी की शैली में यदि इसको ज्योतिषोम का ही वाचक माना जाए तो अभी ये जो संख्या है 1000 ये प्रकृति की ही 1000 संख्या मानी जाएगी, और प्रकृति में वहां 1012 भी लिखा हुआ है तो प्रकृति के लिए दो दो गुण प्राप्त हो जाएंगे, 1012 और 1000, तो ऐसे में क्या होगा, एक दूसरे को बाधक नहीं कर सकते, विकल्प की प्राप्ति होने लगेगी, तो इसलिए इन्होंने कहा प्रकृति से च गुण विधाने विकल्पो भवेत, और विकल्प होने पे क्या होगा, तत्र पक्षे बाधा, एक पक्ष में इसकी बाधा होगी, इसको दोष माना जाता है कि प्रकृति में 1012 कहा गया और जब 1000 करेंगे तो 1012 नहीं होगा, एक पक्ष में बाधित होगा, ये भी दोष हो गया। न च ज्योतिरादयो ज्योतिष्टोमस्य वदितारः, और साथ में कहा ये जो ज्योति आदि शब्द है मतलब ज्योति विश्व ज्योति और सर्व ज्योति, ये ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं है, समुदायांतराणी ही एतानि, ये तो भिन्न समुदाय है, बिल्कुल अलग नाम है। न च अवयवेन समानेन समुदायांतरम तदर्थमेव भवति, बोले किसी का कोई अवयव अगर किसी से मिल रहा है इससे वो उसी समुदाय को कहने वाला हो ये आवश्यक नहीं होता है, जैसे पूर्व पक्षी ने किया था ज्योतिष्टोम में से जो ज्योति लिया तो इसके कारण से ये ज्योतिष्टोम का वाचक है, और विश्व ज्योति में जो ज्योति है वो भी ज्योतिष्टोम का वाचक है, सर्व ज्योति में ज्योति वो भी ज्योतिष्टोम का वाचक है, तो एक भाग लिया हुआ पूरे का वाचक हो ये कोई नियम नहीं है। कैसे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, यथा शाला शब्दों गृह वचना, शाला होती है ना
जैसे यज्ञशाला, पाकशाला, तो जो शाला शब्द है, शाला मतलब मकान, ये गृहवाची है, तो बोले इसमें से न तत्र शाला शब्द सामान्यात माला शब्दादयो अपि गृहवचनः भवन्ति। एक शब्द है माला, शाला और माला, तो माला का मतलब शाला नहीं हो सकता है। कोई कहने लगे नहीं, ये भी माला शब्द भी शाला को ही कह रहा है, क्यों? क्योंकि शाला में जो आला है, शक तो छोड़ना पड़ेगा, माला में भी मैं को छोड़ करके बोले यही वो आला है, तो शाला में से आला लेकर के यहां किया गया, इसलिए माला भी शाला को ही कह रहा है। बोले ये कोई बात नहीं होती। नीचे इन्होंने जो लिखा है उसमें ला को लेकर के लिखा है, उस ला की जगह आला होना चाहिए। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है प्रथम अनुच्छेद, उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति अंत में, किसमें ला शब्द की समानता से माला आदि शब्द की गृह से वाचक, गृह के वाचक नहीं होते, तो ला की जगह आला ले लेना ज्यादा ठीक है। हो गया। आगे यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकम उपादीयते, इससे इन्होंने किस बात का खंडन कर दिया? विश्व ज्योति और सर्व ज्योति का कर दिया, ज्योति को भी ले लिया, ज्योति के लिए कुछ और कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोम शब्द में जो ज्योति है ये प्रतीक लिया गया है ऐसा जो आपने कहा था, तो बोले प्रकरण सामर्थ्याद्धि तत्र ज्योतिष्टोम शब्देन परोक्षेण, क्षेप एक ही मात्रा, परोक्षेण एक वाक्यता भवेत। बोले अगर आप ये अर्थ ले भी रहे हो, ज्योतिष्टोम का ज्योति शब्द यहां पर आया है, तो ये ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम को कह रहा है, ये आपने किस आधार पर निकाला? बोले आप प्रकरण के सामर्थ्य से ये निकाल रहे हो, प्रकरण सामर्थ्य से निकाल रहे हो, तो प्रकरण सामर्थ्य आदि तत्र ज्योतिष्टोम शब्देन परोक्षेण एक वाक्यता भवेत, ये परोक्ष रूप से एक वाक्यता आप निकाल रहे हो प्रकरण से, सीधी सीधी एक वाक्यता नहीं है इनकी, परोक्ष रूप से आप इसको निकाल रहे हो। और सा प्रत्यक्षम ज्योति शब्देन सह एक वाक्यता बाधित, तो ये जो एक वाक्यता है ये प्रत्यक्ष जो ज्योति शब्द है, यानी इसी वाक्य में ज्योति शब्द पढ़ा है अथैषय ज्योति, उसके साथ की एक वाक्यता को बाधित कर लेगी। यहां ज्योति नाम का एक कर्म कहा जा रहा है, ये कैसे पता लग रहा है? वाक्य से। और यहां ज्योतिष्टोम ही कहा जा रहा है, ये कैसे पता लगा? प्रकरण से। एक वाक्यता तो दोनों तरह से बन रही है, प्रकरण से जो एक वाक्यता बनेगी वो वाक्य की वाक्यता बनेगी, और इधर जो ज्योति शब्द से एक वाक्यता बनेगी वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष एक वाक्यता है। तो बोले कि ये इसको बाधित नहीं कर सकती, न चैतत् न्यायम, ये उचित नहीं है। वाक्यम ही प्रकरणात् बलीय, वाक्य प्रकरण से बलवान होता है, तो वाक्य से जो पता लग रहा है वही हमें स्वीकार करना चाहिए। अतः पुनः अयम द्योतनार्थत्वाद् वा ज्योतिष्टोमत्वाद् वा कर्मांतरे वर्त्स्यति। अब सिद्धांति ज्योति ही शब्द की और अलग से व्याख्या कर रहा है कि ये क्यों कर्मांतर है। तो ये जो है द्योतनार्थत्व, ज्योति शब्द में जो ज्योत्रि शब्द है, ज्योत्रि वो द्योतन के अर्थ में, द्योतन का मतलब हुआ बताने वाला, द्योतित करने वाला, इस अर्थ में है। और ज्योतिषमत्व अथवा ज्योतिषमत्व यानी प्रकाशकत्व को बताने वाला है, दो तरह से अर्थ किए। इसमें भ्वादिगण की धातु है ज्युत्री भाषणे, ज्युत्री भाषणे, ज्युत्री यह में ऊ की मात्रा है, ज्युत्री भाषणे, उससे तो ये भाषण और भाषरी दीप्तव, दीप्ति अर्थ में, और द्युत दीप्तव, द्युत भी दीप्ति में है ना, तो इस तरह से ये द्योतन अर्थ यहां पर लिया है इन्होंने। और ज्योतिषमत्व मतलब तो यहां पर प्रकाश अर्थ साथ में लिया है। यास्क निघंटू में 116 में ज्योतिष, ये ज्युत नाम की एक स्वतंत्र धातु बनाई हुई है, ज्युत नाम की एक स्वतंत्र धातु निघंटु में ली है, धातु धातु पाठ से अलग है, धातु पाठ की दृष्टि से देखेंगे पाणिनी है तब तो ज्युत्री भाषणे हैं, और यास्क निघंटु की दृष्टि से देखेंगे तो वहां हम ज्योतिष यानी ज्युत धातु स्वतंत्र लिखी हुई 116 में। तो कहा कि ज्योतिषमत्वात्वा कर्मांतरे वर्त्स्यति, ये तो भिन्न कर्म में संगत होंगे ये नाम। यश्च त्रिवृतादिनी ज्योतिंशी तेषां साकल्य वचनो विश्व ज्योति सर्व ज्योति रीति चेत, तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि त्रिवृत आदि जो ज्योतियां कही गई हैं वाक्य शेष से,
उसी से विश्वज्योति और सर्वज्योति शब्द यहाँ पर कहा गया तो बोले न इति ब्रूमः, हम इसका खंडन करते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? न ही त्रिवृत आदिशु ज्योति शब्द प्रसिद्ध, त्रिवृत आदि में ज्योति शब्द प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध मतलब लोक प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि पूर्व पक्षी ने एक वचन बताया था कि देखो यहाँ त्रिवृत आदि को ज्योति शब्द से कहा गया है पर वो प्रसिद्ध नहीं है, उसके लिए और आगे समाधान करेंगे कि त्रिवृत शब्द ज्योति के लिए प्रसिद्ध नहीं है। एवं ब्रुवन प्रसिद्धिम बाधेता, अगर हम ये कहेंगे, ये क्या कहेंगे कि विश्व ज्योति और सर्व ज्योति त्रिवृत आदि के संपूर्ण ग्रहण के लिए कथन किया जा रहा है तो प्रसिद्धि बाधित होगी, लोक प्रसिद्धि बाधित होगी, अर्थ ठीक नहीं होगा। यत्तु वाक्य शेषा ज्योति ही शब्द त्रिवृत आदि वचनश्च, जो आपने कहा कि वाक्य शेष से ज्योति शब्द त्रिवृत आदि का वाचक होगा, कौन सा वचन? जो हमने पीछे देखा था पृष्ठ संख्या 494 पर जो नीचे वाला वाक्य था तैतरीय ब्राह्मण का, उस वचन की तरफ संकेत है कि उससे ये हो जाएगा, तो उसके लिए सिद्धांति उत्तर दे रहा है तस्मिने व वाक्य स तत्र प्रयुक्त, कि उसी वाक्य में, ये जो तैतरीय ब्राह्मण का वचन है इसी वाक्य में सह का मतलब है वह ज्योति शब्द, तत्र का मतलब है त्रिवृत्त में प्रयुक्त किया गया है, केवल उसी वाक्य में ज्योति शब्द त्रिवृत्त का वाचक होगा, सब जगह नहीं हो सकता है, वहीं पर ही केवल प्रयोग किया गया है। इति गम्यते प्रमाणांतरेण न शब्देन, क्योंकि ये आप प्रमाणांतर से जान रहे हो, यानी लक्षणा से जान रहे हो, ये लक्षणा गौण प्रयोग है, न तो शब्देन, वहां साक्षात शब्द से नहीं जान रहे हो, प्रमाणांतर से जान रहे हो। और यत्र तु तत्प्रमाणांतरम नास्ति न तत्र वर्तितुमर्हति, ये जो वचन है तैतरीय ब्राह्मण वाला, ज्योतिष स्तोम में ज्योति शब्द त्रिवृत आदि स्तोम का वाचक है, ये वहां पर विशेष प्रमाण दिया गया है उससे पता लग रहा है, वैसे नहीं पता लगता है। तो यत्र तु तत्प्रमाणांतरम नास्ति न तत्र वर्तितुमर्हति, ये जो वचन है ये हर जगह नहीं घटा सकते हो आप, यहाँ विश्व ज्योति और सर्व ज्योति में नहीं घटा सकते हो, ये प्रमाण जिस जगह पे दिया गया यानी ज्योतिषोप में, वहीं केवल ज्योति शब्द से त्रिवृत आदि अर्थ लिए जा सकते हैं, सब जगह नहीं ले सकते आप उससे, क्योंकि वो उस प्रसंग विशेष के लिए कहे गए हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा सिंहो देवदत्त इति, सिंह शब्दों देवदत्त वचन है प्रमाणांतरेण, देवदत्त सिंह है उपमा दी गई, तो उस ऐसे में सिंह शब्द किसका वाचक है? देवदत्त का वाचक है। कैसे पता लगा? प्रमाणांतर से पता लगा। प्रमाणांतर क्या है यहां पर? लक्षणा से पता लगा है। लेकिन अगर किसी वाक्य में सिंह का मतलब देवदत्त ये लक्षणा से हम ले रहे हैं तो न तो सिंहम आलभेत इति यत्र, कहीं ये लिखा हो सिंहम आलभेत, शेर का आलभन करे, तो अब यहां पर किसका आलभन करेंगे? देवदत्त का, क्योंकि हमें वचन मिल रहा था सिंहो देवदत्त, ठीक है, नहीं करेंगे ना। सिंहम आलभेत, अगर यूं कहें कि शेर को पानी पिलाओ, कहीं ऐसा केवल वाक्य हो तो वहां शेर का मतलब क्या लेंगे? देवदत्त तो नहीं लेंगे ना, शेर ही लेंगे। भले ही एक जगह कहा गया है कि देवदत्त सिंह है, वो उसके प्रसंग में ही घटेगा केवल, देवदत्त से संबंधित अगर कहेंगे शेर को पानी पिलाओ तो, शेर को दूध पिलाओ तो वो वहां उसके लिए घटेगा। इस जगह जो एक सिंह को, सिंह नाम से देवदत्त को कहा गया, इस आधार पर अन्य जगह भी जहां जहां संदिग्ध वहां सिंह का मतलब देवदत्त लेने लगेंगे, ये गलत है, जहां कहा गया वहीं पर ही लगेगा वो। इसी तरह से ज्योति शब्द त्रिवृत आदि स्तोम में केवल वहीं घटेगा, सब जगह नहीं घटेगा। न तो ये हो गया तत्र तु तत् प्रमाणांतरम नास्ति, क्यों नहीं घटेगा सिंहम आलभेतम है? क्योंकि प्रमाणांतर नहीं है, क्योंकि वो असंगत नहीं हो रहा है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं, अविदा व्यर्थ नहीं हो रही, अविदा से भी वहां पर लागू हो रहा है। तस्मात् विश्व ज्योति सर्व ज्योति इति च ज्योतिषोम से वदिता रहो, इसलिए विश्व ज्योति और सर्व ज्योति ये शब्द ज्योतिषोम के कहने वाले नहीं है। न चेत ज्योतिषोम उच्यते, और अगर ये ज्योतिषोम यहां नहीं कहा जा रहा है तो सर्वाणी कर्मांतराणी, ये सारे के सारे कर्मांतर हैं, भिन्न कर्म कहलाएंगे, ये सब भिन्न कर्म कहलाएंगे। यदि संज्ञाकृत कर्म भेदाधिकरणम, संज्ञा के कारण से कर्म भेद यहां पर समझना चाहिए, ठीक है, ये अधिकरण तो हो गया। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। आचार्य वर्य, अत्र माला साला शब्देवः सादृश्यं दृश्यते आला इति एक अंशम सादृश्यम गृहीत्वा सिद्धांति खंडनं करोति, परंतु तत्र तो ज्योति शब्द पूर्ण रूपेण अस्ति। नहीं, ज्योतिषोम अस्ति तत्र, ज्योतिषोम शब्द पूरा,
ज्योतिष सोम शब्द तो समास वर्तते माला साला इत्यत्र तो समास ना। ठीक है ठीक है, आपका कहना है कि आप उसका वेदर वो बता रहे हो, व्यविचार बता रहे हो कि इसने सिद्धांति ने जो खंडन किया वो ठीक नहीं किया। अति खंडन, अति खंडन है, अति में जाकर के खंडन किया हुआ है कि यहाँ शब्द के टुकड़े करके कर लिया इन्होंने। ठीक है तो ठीक है, उस तरह किया जो किया, जो लिखा है वो तो यही है, और वो किसी को पूरा संगत नहीं लग सकता है, क्योंकि आप एक शब्द वाला पूरा लेंगे तो दूसरे भी उदाहरण आ जाएंगे। ये केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि ये कोई नियम नहीं होता कि एक शब्द अगर एक अंश अगर दूसरे से मिल रहा है तो ये उसी को ही कहने वाला होगा। ठीक है, उन्होंने शब्द को लेके किया, इन्होंने शब्द के वर्णों को लेकर के कह दिया, इतना तो अंतर है, लेकिन किया इन्होंने ऐसा। ये भी एक एक युक्ति है, ये कोई एक ही प्रमाण नहीं है, उसके अलावा और बातें भी तो कही हैं इन्होंने। ठीक है, साथ में ये भी बात कह दी, अगर ये हमें संगत नहीं लगती है तो उसको थोड़ा एक तरफ रख सकते हैं बस। द्वितीय अत्र यथा वृद्धिरादे आयौ इति यथा वृद्धि संज्ञा होती संपूर्ण ग्रंथे ऐसा प्रवृत्ति भवति। अत्र कथम मददी कि एकस्मिन् स्थले एव भविष्यति अन्यत्र न भविष्यति। देखिए अगर वो संज्ञा वृद्धिरादे, तो पाणिनि का स्पष्ट है कि भाई संज्ञा सूत्र है और उसका क्षेत्र पूरा शास्त्र, पूरा व्याकरण शास्त्र बनता है, उसी शैली में लिखा गया है। लेकिन यहाँ उस तरह की संज्ञा नहीं है, ये संज्ञाकरण का संज्ञा प्रकरण का नहीं है। ज्योतिष्टोम में ज्योति नाम क्यों रखा गया है, ज्योतिष्टोम में ज्योति नाम क्यों रखा गया है, क्या चीज ज्योति रूप में है इसलिए आपने ज्योतिष्टोम रखा गया है, इस तरह का कोई प्रश्न उठे तो उसका उत्तर दिया गया है कि त्रिव्रत आदि यहाँ पर ज्योतियाँ हैं इसलिए ज्योतिष्टोम कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब जगह लागू होगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में तो ठीक है, वहां तो कोई दो राय नहीं, वहां वैसा ही लगेगा, लेकिन यहां उस तरह का नहीं मान करके चल रहे हैं, वैसा नहीं है ये। तो आज का पाठ इतना ही रखें। सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।